पहले से अपनी बहन को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और बात यहाँ तक पहुँच गई, ये लोग मेरे घर तक पहुँच गए आरू की फैमिली, तो बहुत अनफॉर्चुनेट है मुखी के लिए, क्या करे बेचारा, उसके बहन से इतना प्यार करता है, उसकी बहन इतनी जिद्दी है, उसकी बहन को ना नहीं कर सकता, तो अभी से झेलना तो पड़ता ही है ये सब। लेकिन आज जो हुआ आपको ये देखने मिलेगा कि मुखी अपनी ज़बान का पक्का है, प्रिंसिपल्ड है और इंसाफ पसंद है। वो ये कभी नहीं चाहेगा कि किसी भी लड़की की बेइज्जती हो या उसके माँ बाप की बेइज्जती हो या किसी की परिवार की बेइज्जती हो। तो वो एक पंडित से भी पंगा ले लेता है कि ग्रह नक्षत्र जो भी होते हैं ये इनसे अब इंसान अपनी किस्मत नहीं बनाते हैं, उसकी किस्मत तो अपनी मुट्ठी और मेहनत में होती है। और जो भी उसके एग्जांपल्स होते हैं, क्योंकि वो एक किसान है तो खेती बाड़ी पर ही उसके एग्जांपल्स होते हैं, तो बहुत 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 ही स्वीट सीन था। और सबके अगेंस्ट जाके वो इस शादी को हाँ कर देता है। लेकिन शादी होगी या नहीं ये आपको देखना पड़ेगा। बहुत बहुत तैयारी हम लोगों ने की है, पूरा गुजराती खाना तैयार किया है, मिठाइयाँ, घर सजाया है, अब देख सकते हो यार यहाँ पे ये सब फूल, ये और मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि फाइनली 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 जाके मुझे मेरे भैला के लिए एक लड़की मिली है और उसकी शादी। तो फिर तैयारियों में तो कुछ कमी रहनी चाहिए और उस तैयारियों में मस्ताना तो मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है ना मस्ताना। और क्या, मैं तो उनका चेला हूँ खास ना, मेरे लिए तो पूछिए मत, मतलब पैरों पे चक्की लगी है। जी हमारी जब गांव में एंट्री होती है तो शायद बहुत फिल्मी तरीके से ही होती है क्योंकि नॉर्मल कुछ नहीं है, सिंस इट्स ये मोह मोह के धागे तो सब कुछ यूनिक ही है, तो हमारी गाँव में एंट्री भी यूनिक ही हुई है और हमें एक अलग सा माहौल देखने को मिला वहाँ पे। पर फिर खैर वो जब पूरा हो गया उसके बाद हम जब आए एंटर हुए गांव में तो सब कुछ बहुत अच्छे से सुंदर सजाया हुआ है, हम देख रहे हैं कि लोग कैसे भगवान की तरह मुखी जी को पूछते हैं, तो हमारे लिए तो वो सब देखना बहुत अनोखा और नया ही है। हाँ वही तो मैं देख रही हूँ, वही तो मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ कि क्या सही में ऐसा है कि मुखी जी का इतना जोर चलता है कि अगर उन्होंने एक चीज़ बोल दी तो पत्थर की लकीर बन गई। तो हाँ वो ऐसा ही है, लोग उन्हें भगवान की तरफ पूछते हैं, मुखी जी ये मुखी जी वो, लोग आगे पीछे घूमते हैं। चेंज, हाँ रिश्ता तो चेंज हो गया ना, पहले मैं उनकी गौरानी थी अब मैं उनकी साली बनने वाली हूँ। तो रिश्ता तो बदल रहा है। हाँ इसकी खास बात ये है कि जब किसी को सुनाई नहीं देता है तो मैं इतना ज़्यादा मुँह लगा हुआ मुखी का कि अगर कोई मेरी बात नहीं सुनेगा तो मैं जाकर उसके कान में सीधा बजा दूंगा, ऐसे तो मेरी बात को जरूर सुनना पड़ेगा। जी वो तो खैर मुझे नहीं पता, वो पंडित जी देख के बताएंगे सब क्या हो रहा है क्या नहीं, पर मैं बस इतना बोल दूंगी कि कुछ नया आ रहा है तो देखते जाइए ये मोम ओके धागे। थैंक यू।